नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक नोज़, नॉर्मल सी नोज़ जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो कि साइड में लगी हुई है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं डेली कहता हूँ कि आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर से। तो सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, और जैसे कि सर्कल ड्रॉ करने से ये हो जाएगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि नोज़ को कहाँ पे कुछ प्रपोर्शंस वगैरह हैं वो कहाँ पे रहेंगे। तो उसके बाद में आप धीरे धीरे डार्क और लाइट वैल्यूज़ ऑप्ट करिए। सबसे पहले आउटलाइन बना लेते हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मेज़रमेंट ले करके या फ्री हैंड भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बना रहे हैं अभी, और एक एक छोटी छोटी चीज़ को मतलब इग्नोर नहीं करना कि हाँ ये हो जाएगा, धीरे धीरे सब आएगा आपको। और जब आप कोई भी फ़ोटो या कोई भी स्केच को ड्रॉ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको उसके वो ध्यान से देखना चाहिए, उसको गौर करना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे बनेगी। तो उसका स्केच जो है, रफ़ स्केच पहले ही आप अपने माइंड में बनाइए, देन उसको आप पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट कीजिए। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी होती है, हमेशा डार्क वैल्यूज़ जो हैं वो बाद में आएंगी, और लाइट वैल्यू सबसे पहले। आप लाइट पेंसिल से एक स्केच बनाइए जब भी, तो लाइट पेंसिल्स मतलब लाइट प्रेशर का अप्लाई करते हुए उसकी आउटलाइन बनाइए रफली। तो उसके बाद में आप जैसे ही धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आप डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करते जाइएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रफ आउटलाइन टाइप की बना ली है, और अब मैं इसमें कुछ थोड़ी सी वैल्यूज़ पुट करूँगा, जिससे कि थोड़ा सा शेप आएगा, और जो अपने सर्कल बनाया था उसे साफ़ कर देते हैं। देन इसके बाद में अब धीरे धीरे वैल्यूज़ को लाइट टू डार्क ऑप्ट करेंगे। जहाँ पे बिल्कुल एकदम डार्क है वहाँ पे तो डायरेक्ट डार्क वैल्यूज़ ही डालेंगे इसमें। और आप जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी इसके को बनाने के लिए। आप अगर आप जल्दबाजी कर देंगे सोचने के कि ये मैं एक घंटे में ही तैयार कर दूँ, दो घंटे में ही तैयार कर दूँ, तो इन चीज़ों में अगर आप जितना पेशेंस रखेंगे वो आपको बाद में बहुत अच्छा लगेगा जब रिज़ल्ट निकल के आएगा अच्छा सा। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। डेली आप अगर एक से दो घंटे भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको लंबे टाइम के बाद में पता चलेगा कि मैंने डेली दो घंटे प्रैक्टिस की है। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अब आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे वैल्यूज़ पुट करना चालू करते हैं, और इसमें जो डार्क वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे डार्क एरियाज़ है वहाँ पे हमने डार्क किया हुआ है। और इसी तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। अब हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली, अगर एक चीज़ नहीं आ रही तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप लिख के लीजिए मुझसे कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम वीडियो को फास्ट करते हैं, और आप आगे क्या देखना चाहते हैं, मतलब किस तरीके के स्केचेस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे बनाइए वीडियो, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, वीडियो बनाई जाएगी, बिल्कुल बनाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो अब हम ब्रश की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, अब हम थोड़ा सा ब्लेंडिंग करते हैं इसके ऊपर, तो जिससे कि कुछ जो शेड हैं वो और अच्छे से निकल के आएंगे। और उसके बाद में कुछ थोड़ी सी हाइलाइट्स ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए नीडेड इरेज़र, या फिर पेंसिल इरेज़र, या फिर आपके पास अगर इरेज़र
किसी भी तरीके की इरेज़र है, तो अगर आप उससे, जहाँ तक मेरा मानना है, तो आप पेंसिल इरेज़र का यूज़ कीजिए, या फिर ये जो सामने रखी हुई है मेरे पास, इसको बोलते हैं मोनो इरेज़र, ज़ीरो मोनो इरेज़र, तो आप विद हेल्प ऑफ दिस इरेज़र भी आप कर सकते हैं। अब ब्लेंडिंग हो जाने के बाद में हम इसमें कुछ हाइलाइट्स ऐड करेंगे थोड़ी सी, जो कि थोड़ा क्लियर हो जाता है। जब हाइलाइट्स आप ऐड करते हैं तो उसमें लाइट और डार्क का जो शेड है वो प्रॉपर तरीके से आता है निकल के। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मोनो ज़ीरो इरेज़र की सहायता से हम इसमें थोड़ा कुछ हाइलाइट्स ऐड करेंगे। और आप भी देखिए, हाइलाइट्स वगैरह जो है उसका मेन रोल रहता है, अगर आप पूरा ब्लेंड कर देंगे, मान लीजिए पूरा आपने पेंसिल से पूरा स्केच बनाया और उसमें हाइलाइट नहीं किया, तो वो मतलब आपको वो मज़ा नहीं आएगा। अगर देसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको स्केच बनाने में और बाद में जो रिज़ल्ट आएगा। तो हाइलाइट जो है, जो लाइट और डार्क का जो वैल्यूज़ का जो खेल है ना, वो डिपेंड करता है पूरे पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हाइलाइट हम ऐड कर रहे हैं इसमें, जैसे कि मैं बाबा आपसे कह रहा हूँ कि डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, 1 से 2 घंटे किसी भी कीमत पे आपको निकालने हैं। अगर आपके अंदर पैशन है इसको करने का तो आपको निकल ही आएंगे वो, किसे आप मैनेज कर लोगे। तो वीडियो को देखते रहिए और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।